अस्सलामुअलैकुम माई ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई किचन। क्या हाल है आपके? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। और आज आपके सामने फिर अगेन हाजिर हुई हूँ बहुत अच्छी सी रेसिपी लेकर, बबल ब्रेड की। इसमें कोई भी नीट करने की ज़रूरत नहीं, विदाउट नीटिंग रेसिपी है ये। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैंने एक ले लिया है बोल, और ये मैंने लिया है 1 कप मिल्क। मेजरिंग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज़रूर चेक किया करें। और इसके बाद मैंने ऐड कर दिया इसमें 1 टेबल स्पून ईस्ट, साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून शुगर और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अच्छा, दूध आपका रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, चिल्ड मिल्क है, तो उसे थोड़ा सा आप वार्म कर लें। तो बस अब कर दिया है कवर, और इसे 10 मिनट्स के लिए हम छोड़ देंगे, हमारी ईस्ट अच्छी तरह से एक्टिव हो जाए मिल्क के साथ। और अगर आपकी ईस्ट एक्टिव जल्दी नहीं होती तो इट मीन्स आपकी ईस्ट काफ़ी पुरानी हो चुकी है, तो इससे आपका ब्रेड सॉफ्ट नहीं बनेगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आपकी ईस्ट जो है ना बहुत जल्दी एक्टिव हो जाती है। ईस्ट तो विद इन 10 मिनट्स बहुत अच्छी तरह से एक्टिव हो जाती है। तो ये अच्छी तरह से एक्टिव हो गई है, अब इसे साइड पे कर देंगे। और दूसरा एक बड़ा बोल दिया है, इसमें हमने लेना है ब्रेड फ्लोर। अच्छा, ब्रेड फ्लोर मैंने इस कप से 1 कप लिया है, और आपने जितना बनाना है आप मेजरिंग अपने जितनी आपको बनाने उस हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसे अच्छी तरह से डो हम अपना रेडी कर लेंगे। बहुत सॉफ्ट सा डो बनाना है, बिल्कुल स्टिक वाला डो होगा हमारा, तो हमारा ब्रेड अच्छा नहीं बनेगा। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का डो बनाना मैं आपको दिखाती चलूँगी। वीडियो को टिल एंड तक देखिएगा तो आपकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएंगी। और ये इतना सॉफ्ट ब्रेड बनता है ना कि एक बार आप ट्राई करेंगे तो बार बार ट्राई करेंगे। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। और इसमें कुछ भी नीट करने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ आप स्पैचुला और स्पून की हेल्प से कर लेंगे इजीली। और साथ ही मैंने ऐड कर दिया बटर, और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखें, बिल्कुल भी मैंने इसमें हाथ नहीं लगाया, और ये बहुत अच्छी तरह से हमारा डो रेडी हो गया। बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी का हमें डो चाहिए। अब देखें, मैंने इसे स्पून की हेल्प से इसे अच्छी तरह से मैंने थोड़ा सा फोल्ड कर करके कर लिया है। इससे क्या होगा कि ये आपका डो बिल्कुल इस कंसिस्टेंसी में बनेगा। और इसे फिर अगेन मैंने कवर कर दिया 1 आवर के लिए, जब तक हमारे डो का साइज़ डबल हो जाना चाहिए। तो ये देखिए, हमारा डो अच्छी तरह से रेडी हो गया है, साइज इसका काफ़ी हो गया है। और अब स्टार्ट करेंगे अपना बॉल्स बनाना। इफ़ यू लाइक माय रेसिपीज देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट मोर न्यू अपडेट्स। और बहुत हेल्दी और यमी रेसिपीज लाने की कोशिश करूंगी आप सबके लिए। आपने कुछ भी पूछना है कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ पर आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं मेरे से। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सभी का रिप्लाई दूँ। इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा कि आप इंस्टाग्राम पे किस नेम से हैं, तो सेम इसी नेम से हूँ, सैयद मारियाज किचन से, तो आपको इजीली मैं मिल जाऊँगी। तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो बस इसे मैंने सिर्फ अपने हैंड के हेल्प से किया है, बिल्कुल भी इसमें मैंने रोलिंग नहीं लगाया। ये हमारे सारे बॉल्स रेडी हो गए हैं बबल्स ब्रेड के। अभी से मैंने ओवन में 10 टू 15 मिनट्स के लिए रख दिया है कि ये साइज़ में थोड़ा सा और भी डबल हो जाएगा, राइस कर जाएगा। तो बस इसे थोड़ी देर के लिए रखेंगे। अच्छा, अभी अब मैंने ओवन को बिल्कुल भी ऑन नहीं किया हुआ है, बस ऐसे ही रख दिया है। अब इसके बाद मैंने इस पर अप्लाई किया है मिल्क, ये मैंने चिल्ड मिल्क लिया है, और इस पर अप्लाई कर देना है। और इसके बाद अपने ओवन को प्री हीट कर लें 5 टू 6 मिनट पहले। और इसके बाद देखिए, मैंने प्री हीट करके और अब ओवन में रख दिया है। अब ये 10 टू 15 मिनट में ये अच्छी तरह से बेक हो जाता है। आपको ओवन जैसा स्टाइल का, उस स्टाइल से आप इसे बेक करें और उसे टाइमिंग से सेट करें। और इसके बाद मैंने इस पर अच्छी तरह से बटर अप्लाई कर दिया है, और बटर बिल्कुल गर्म पे ही मैंने अप्लाई किया है। इसे अच्छी तरह से बटर ऑब्जर्व कर जाएगा,
और ये हमारा ज़बरदस्त सा बबल ब्रेड रेडी है। इसको बिल्कुल पास से आपको दिखाती हूँ, बहुत सॉफ्ट बनता है, बहुत सॉफ्ट बनता है, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऐसे आपको मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और स्पेशली बच्चों के लिए और सभी को बहुत पसंद आती है। स्नैक्स में आप बना सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और मुझे प्यारे प्यारे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और वीडियोस अच्छी लगेगी तो फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इतने प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ।